बहुत दूर से आए हुए हैं, सुबह से खड़े हैं, अभी तक बैठे हैं। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, अच्छा से व्यवस्था करना चाहिए। टॉयलेट के लिए तो मेन प्रॉब्लम टॉयलेट है, यहाँ भी व्यवस्था नहीं है, पेशाब करने का भी नहीं है यहाँ पे, टॉयलेट बाथरूम का भी। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी पटना में पासपोर्ट ऑफिस के पास हूं और यहां पर क्या परेशानियां हैं वो अभी कुछ लोग बता रहे थे। बार बार संपर्क करते हैं, अभी कुछ लोगों से हम जानते हैं कि यहां पर देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ रहती है, लगातार 1000 आदमी हमेशा रहते हैं। और ये पटना का पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ पर कुछ लोग हैं वो बताएँगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? इरफान अली। हम तो अभी आए हुए हैं यहाँ पर पासपोर्ट बनवाने के लिए। यहाँ पर आकर क्या लग रहा है? यहाँ तो यही लग रहा है कि यहाँ पे अभी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पे जो खड़े हुए हैं वो कुछ बैठे, इधर उधर ना रहें। कुछ टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा होनी चाहिए, लोग आके इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर रोडों के साइड में कर देते हैं कुछ भी गंदा। तो व्यवस्था होनी चाहिए जी, इसके लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं सिवान से आया हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट से। मोहम्मद आमिर। पासपोर्ट दरअसल हम लोग का डिग्री कंप्लीट होने वाला है, तो डिग्री कंप्लीट होने पे HRD कराना पड़ता है, जिससे बाहर में भी हमारा सर्टिफिकेट जो डिग्री होगा वो लीगल होगा। तो HRD कराने के लिए हम लोग को पासपोर्ट लगता है, तो इसीलिए हम लोग बनवाने अभी आए हुए हैं। कि आप अपने पढ़ाई करके बाहर ही जाएंगे? बाहर जाने नहीं है, मतलब HRD कराना है, जहाँ बेटर सुविधा मिले। जैसे बेरोजगारी यहाँ पता ही है कितना है, सर सुविधा ज़्यादा तो मिलता है नहीं, तो जहाँ जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा तो वहीं कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी डिग्री होल्डर होगा वो जाएगा ही। तो इसी चक्कर में हम लोग हैं कि दोनों चीज़ें हमारे पास रेडी रहे, अगर इंडिया में जॉब मिल रही है तो सबसे बेटर है हमारे लिए, और नहीं मिल रही है तो हम फॉरेन के लिए भी ट्राई करेंगे, इसलिए पासपोर्ट बनवाते हैं। एक समस्या है और यहाँ पर आई कि बेरोजगारी बहुत है, कुछ कहना चाहेंगे? जी यहाँ पे तो बेरोजगारी खैर बहुत है, इसलिए तो लोग यहाँ इतने पासपोर्ट वगैरह बना रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए कि यहाँ के लोगों को यहीं पर जॉब मिले, कुछ सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ, कुछ कंपनियाँ बुलाई जाएँ, यहाँ के लोगों को यहीं पर काम मिले, ताकि यहाँ के लोगों को दूसरे देशों में ना जाना पड़े। बस हम यहाँ आए थे पासपोर्ट ऑफिस की समस्या को लेकर, पर एक बेरोजगारी की समस्या दिखी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है इसीलिए ये लोग भी अभी यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ के लिए? हम पासपोर्ट बनाने आए हैं सऊदी जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? सऊदी जाने के लिए। क्या नाम? मोहम्मद नौशाद। और भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, लोग हैं देख रहे होंगे, ट्रांसफार्मर यहाँ पर है और ये नीचे हैं बैठे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की समस्याएँ हैं, उसी के बीच जो मेन समस्याएँ हैं बेरोजगारी की, जो अभी यहाँ पर युवा बता रहे थे। आप कहाँ से आए हैं भैया? वैशाली से। यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा उविधा ये सब नहीं है? कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, सिस्टम ही बेकार है, व्यवस्था कर दिया, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आप कहाँ से हैं भैया? सिवान से। क्या कुछ बोलेंगे? यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, अच्छा से व्यवस्था करना चाहिए, प्रॉब्लम हो रहा है, पब्लिक यहाँ पर आ रहा है तो। हाँ, टॉयलेट के लिए तो मेन प्रॉब्लम टॉयलेट है, यहाँ आदमी आ रहा है, इधर उधर जा रहा है, रोड के पास जा रहा है, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हम सुबह 10 बजे से आए हैं। बिट्टू कुमार जी? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार कहाँ जाने के लिए? हम कुवैत के लिए आए हैं PCC कराने के लिए। क्या चीज़ कराने के लिए? PCC कराने के लिए आए हैं। PCC कराने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग केसरिया से आए हैं जी। केसरिया से। मोतिहारी जी जी। क्या नाम हुआ? राशिद खान। क्या कुछ कहेंगे, ऐसी व्यवस्थाएँ यहाँ पर, हज़ारों की भीड़ अभी जो लगती है पासपोर्ट ऑफिस के पास, ये जो दृश्य है इसको? सर यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बैठने उठने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, इसमें पूरा पब्लिक खाला हुआ है जी। अच्छा, इसके बाद कहाँ जाइएगा? पासपोर्ट ऑफिस में जाना है। पासपोर्ट ऑफिस के बाद, जैसे बनने के बाद विदेश सारे लोग जाते हैं रोजगार को लेकर? विदेश जाना है रोजगार जी, नौकरी के लिए। और आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे बैठने का जगह नहीं है, गाड़ी लगाने का जगह नहीं है, काफ़ी सारा परेशानी है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप कैमरा से दिखाई सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जगह है, कोई बैठने का सुविधा नहीं है, और वही है हम लोग खड़े हुए सुबह से आके, सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, कोई जगह नहीं मिला, गाड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं है, ना बैठने के लिए जगह है, बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ। चलिए, यहाँ पर टाइमिंग के जरिए बुलाया जाता है, मगर ये संख्या हज़ारों में होती है, जो अलग अलग ज़िलों से आकर सुबह से ही यहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं, और जिनकी पंक्तियां नहीं बनती है वो अलग से देख रहे होंगे दीवार के सहारे किस प्रकार से खड़े हैं। हमने सोचा ये दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ भैया? नहीं बोलेंगे? क्या नाम हुआ? मिथिलेश। कहाँ से आए? हम लोग सिवान जिला से। नहीं है सरकार को व्यवस्था बनाना चाहिए, इतने भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, सुबह से खड़े हैं, अभी तक बैठने का
एक भी व्यवस्था नहीं है, पेशाब करने का भी नहीं है यहाँ पे, टॉयलेट बाथरूम का भी दिक्कत है। चलिए मैं धन्यवाद कहूँगा, झकास भारत देखते रहिएगा, धन्यवाद।